मेरे नौजवान भाइयों आज के इस दर्स में जिस मौदू पर कुछ देर आपसे खिताब करना है वो है इस्लाम में हुसन अखलाक की अहमियत मेरे भाइयों हम और आप जानते हैं हमारी ज़िंदगी का कोई भी शोबा हो हमारी ज़िंदगी का कोई भी फील्ड हो अगर हम उस शोबे के अंदर और उस फील्ड में कामयाब होना चाहते हैं तो मिन जुमला बुनियादी चीज़ों में से एक बुनियादी चीज़ ये है कि हमारे अखलाक सही और दुरुस्त हों हमारे कैरेक्टर सही और दुरुस्त हों अच्छे अखलाक़ के हम मालिक हों हमारा ताम हमारा मामला लोगों के साथ बेहतर हो शरीत इस्लामिया की रोशनी में हो अगर हम एक अच्छा उसद बनना चाहते हैं तो बगैर अच्छे अखलाक के अच्छा उस्ताद हम नहीं बन सकते एक कामयाब बिजनेसमैन की हैसियत से अगर हम इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो जब तक हमारे अखलाक सही और दुरुस्त नहीं होंगे उस वक्त तक हम एक कामयाब ताजिर और बिजनेसमैन नहीं बन सकते इसी तरीके से अगर हम एक कामयाब दाई बनना चाहते हैं तो हमारे लिए जरूरी है कि हम अपना अखलाक सही और दुरुस्त करें अच्छे अखलाक के हम मालिक बन जाएं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि की जिंदगी का जब हम मुताला करते हैं तो आपकी ज़िंदगी में एक नुमाया पहलू जो उभर करके हमारे सामने आता है वो ये है कि आपके अखलाक बड़े निराले थे आप बड़े अजीम अखलाक के मालिक थे और मेरे भाइयों सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि अल्लाह के अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस में अपनी उम्मतियों को हुसन अखलाक के जेवर से माला माल होने का हुक्म दिया है बल्कि आपकी अमली ज़िंदगी तेईस साल जिंदगी दौर नबूत और उससे पहले की ज़िंदगी इस बात की वादे गवाह है कि आप हर दौर में अच्छे अखलाक के मालिक रहे हैं सिर्फ ऐसा नहीं है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर आपके हवाले से इरशाद फरमाया व न अला खुलुकिन अजीम कि आप तो यकीनन अखलाक का जो सबसे आला मार हो सकता है उस मैार और उस मकाम पर आप फाइज हैं यानी उससे अच्छे अखलाक का मालिक दुनिया में कोई इंसान नहीं गुज़रा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ हिस्सों में परेशान किया गया तंग किया गया आपको मारा गया सताया गया पूरे ख़ानदान को ले जा करके घाटी में बंद कर दिया गया आपके कई राम को कत्ल कर दिया गया खुलासा ये कि पूरी ज़िंदगी आप देखें नबी की आपने कभी भी किसी भी गैर मुस्लिम के साथ या अपने के साथ आपने गैर अखलाक़ी या फिर बदसलूकी का मामला नहीं किया है हमेशा आप उसके साथ हुसन सलूक अच्छे अखलाक के साथ पेश आए यही वजह है कि इस्लाम जो एक मुख्तसर जमाने में पूरी दुनिया के अंदर फैल गया उसकी एक बुनियादी खसूसियत ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा जो थे हुस्न अखलाक के मालिक थे रसूल अलैहि वसल्लम ने अपनी मतद्द अहादीस के अंदर हमें हुस्न अखलाक के जेवर से माला माल होने का हुक्म दिया है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अकमलिन ईमानन असन खलका के मुमिनीन में कामिल ईमान वाला मोमिन वो है जिसके अखलाक मुकम्मल हों जिसके अखलाक सही और दुरुस्त हों अगर कोई इंसान अच्छे अखलाक का मालिक है तो इसका मतलब यह है वो दीगर लोगों के मुकाबले में उसका ईमान ज़्यादा है और इसी तरीके से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मिन कुम इलैया व अजलिसन कुमी अजलिसमत आम अखलाका कि अ मेरी उम्मत के लोगों सुन लो तुम में कल कियामत के दिन मेरी मजलिस से मेरी महफिल से और मुझसे सबसे ज़्यादा वो करीब होगा जिसके अखलाक सही और दुरुस्त होंगे यानी वो अच्छे अखलाक का मालिक होगा हम में से कौन है जो नहीं चाहता कि हमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि अक्रम की कीबत मिल जाए कोई है ऐसा कोई नहीं होगा मेरे भाइयों। हर मुसलमान की ख्वाहिश है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व्ल् की उसे उसेबत मिल जाए रफाकत मिल जाए इस वजह से अगर हम चाहते हैं कि हम रसूल अलैहि वसल्लम की मजलिस से और महफिल से कल क़यामत के दिन करीब हों तो हमें अपने अखलाक को सही और दुरुस्त करना होगा और इसी तरीके से रसूल फरमाया मा मिन शैन अदकलो फ़ीमी अल यामत मिन खुलुकिन हसन कि एक शख्स के नाम आमाल में कल क़्यामत के दिन जो चीज़ सबसे ज़्यादा वज़नी होगी जो चीज़ सबसे ज़्यादा भारी होगी वो इंसान का अच्छा कैरेक्टर है इंसान का हुस्न अखलाक वाला होना है इस वजह से मेरे भाइयों हम तमाम लोगों की ज़िम्मेदारी है कि हम अपने अखलाक को सही और दुरुस्त करें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया एक मोमिन शख्स है वो रात में कयाम नहीं करता है एक मोमिन शख्स है दिन में रोज़ा नहीं रखता है लेकिन ये है कि उसका अखलाक सही और दुरुस्त है वो अच्छे अखलाक का मालिक है उसके मद्दे मुकाबले में एक मोमिन है उसके अखलाक सही नहीं है रात भर कयाम करता है एक मोमिन है दिन भर रोज़ा रखता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वम ने फरमाया वो मोमिन जिसके अखलाक अच्छे हैं इस्लाम के रंग में रगे हुए हैं वो शख्स क्यामलैल करने वाले का अज़र पालेगा दिन में रोज़ा रखने वाले का अजर पालेगा किस बुनियाद पर बेहसन खुलूकी ही अपने अच्छे अखलाक की बुनियाद पर तो मेरे भाइयों ये रसूल अक्रम सम ने अपनी मतदी अदीस के अंदर हसन अखलाक की फजीलत को उजागर किया है क्यों इस वजह से कि हम तमाम लोग अपने अख्लाक को सही और दुरुस्त कर लें जब हमारे अखलाक सही और दुरुस्त होंगे हम अच्छे अखलाक के मालिक होंगे तो यकीन मानिए हम जिंदगी के किसी भी शोबे में होंगे हम जिंदगी के किसी भी मैदान में होंगे इन कामयाबी यकीनी है लेकिन अगर हमारे अखलाक सही और दुरुस्त नहीं होंगे तो ये भी आप यकीन कर लीजिए कि आप चाहे कितने बड़े डॉक्टर बन जाएं, आप चाहे कितने बड़े इंजीनियर बन जाएं, आप चाहे कितने बड़े आलिम दीन बन जाएं, दाई बन जाएं, लेकिन अगर अखलाक सही और दुरुस्त नहीं है तो आप कामयाब कभी भी नहीं हो सकते क्यों कोई करीब आएगा ही नहीं क्यों आएगा हर शख्स को अपनी इज्जत अजीज है हर शख्स को अपनी इज्जत प्यारी होती है चाहे कोई गरीब हो मालदार हो उसे पता है अगर उनके पास जाऊँगा अभी उल्टी सीधी बातें करेंगे गालियाँ दे देंगे डांटेंगे अजीब अजीब मसाइल उनके सामने इस वजह से कोई उनके करीब नहीं आएगा तो खुलासे दर से आज का ये है मेरे भाइयों कि हम तमाम लोगों को अच्छे अखलाक वाला बनना चाहिए चाहे उस्ताद हों चाहे डॉक्टर हों चाहे ताज़िर हों हर फील्ड में अच्छे अखलाक के साथ लोगों के साथ हम पेश आए तब जाकर के हम एक कामयाब इंसान बन सकते हैं अल्लाह रब्लम से दुआ है अलामीन तो हम तमाम लोगों को हुसन अखलाक का हामिल बना और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के हर मोड़ में हर हिस्से में पैरवी और इक्तदा करने की तोफ़ी दे आमीन वसलमकूम रहा ऐसे ही फ़ायदेमंद इस्लामिक वीडियोस देखने और मनहज सलफ़ पर किताब सुन्नत की तालीमत को आम करने में हमारा ताउन करें ताकि आपके लिए जरिया नजात जन्नत के हसूल का सबब साथ ही माल में बरकत व इजाफे का जरिया भी बने आमीन जजाकल्ला